यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जिस मोहब्बत की उसने आरजू की थी, जिस मोहब्बत से वो अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहता था, क्या पता था कि वही मोहब्बत उसकी जान ले लेगी। जी हाँ, 23 साल का अंकित, जिसने अपने प्यार को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर कई सपने सजोए थे, बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि वो अपने प्यार से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता था और चाहता था घर गृहस्थी बसाना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मोहब्बत उसकी जान ले लेगी, उसकी सांसों को छीन लेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसकी मोहब्बत ने उसकी जान ले ली। इस मामले को आप हॉरर किलिंग कहिए, ऑनर किलिंग कहिए या फिर लव जिहाद कहिए, लेकिन ये वो सोच है जो दूसरे मजहब में प्यार करने को गलत समझती है, अपराध समझती है, या फिर साफ शब्दों में कहिए पाप समझती है। 23 साल का अंकित किसी दूसरे मजहब की लड़की से प्यार करता था और दिलोजा से प्यार करता था। अंकित को अगर हम समझे कि आखिर अंकित कैसा था, खुश मिजाज वो लड़का था, उसे फोटोग्राफी करना पसंद था, मॉडलिंग करना पसंद था, गिटार बजाता था, तो यानी कि कहें कि जैसे आम लोग होते हैं, 23 साल की उम्र के लड़कों की अगर हम बात करें तो सेम बिल्कुल वैसा ही अंकित था। लेकिन उसका प्यार उसकी सलाखें बन गया, उन बेड़ियों ने उसकी जान ले ली। अगर आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे तो जरा सोचिए कि क्या प्यार करना आज के समय में, आज के वक्त में इतना बड़ा गुनाह है कि सरेआम भीड़ के सामने एक 23 साल के लड़के को जान से मार दिया जाता है और वो भीड़ जरा सा भी साहस नहीं करती कि उस लड़के को बचा लिया जाए, और एक दूसरे मजहब के लोग सिर्फ मजहब के नाम पर एक लड़के को जान से मार देते हैं। जरा सोचिए उस परिवार का क्या हुआ होगा, उस माँ का क्या हुआ होगा, उस बाप का क्या हुआ होगा जिसे दिल की बीमारी थी, क्या बीती होगी उसके दिल पर। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके मासूम बेटे को किस घिनौनी वारदात का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि अंकित घर में इकलौता था, ना उसकी बहन थी, ना उसका भाई था, और पूरे घर की जिम्मेवारी अंकित ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। लेकिन वो अपनी मोहब्बत से भी बेइंतहा प्यार करता था और वो चाहता था अपने सपनों को साकार करना, लेकिन बहुत जल्द उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसे इस तरीके की घिनौनी वारदात का अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा, शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आम लोगों की तरह, आम लड़कों की तरह उसके भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन मजहब की बेड़ियों ने उसके जीवन की सांसों को रोक लिया। दिल्ली के ख्याला का ये मामला है, कोई बाहर का मामला नहीं है, या हम कहें कि छोटे से गांव का है जिसे हम जानते भी ना हो। दिल्ली का ये मामला है, देश की राजधानी का मामला है, जहां पर सरेआम एक 23 साल के लड़के को मार दिया जाता है। भीड़ तमाशबीन बनकर वहां पर पूरा नजारा देखती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। उस माँ की सिसकियों का क्या, उस बाप की उम्मीदों का क्या, जिसने सोच रखा था कि हाँ, जब हम बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो ये बेटा मेरी आंखों का तारा बनेगा, मेरी उम्मीदों का सहारा बनेगा, और हाँ, यही मेरी सेवा करेगा। जब वापिस आ जाएगा तो मेरे को बता दीजिए, सुबह से कितने मीडिया वाले आ गए पूछने के लिए, मेरे बच्चे को ला दो, मैं सब बता दूं कि मेरे बच्चे को ला दो, मेरा बच्चा मेरे कसूर इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि जो लड़की थी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो किसी और मजहब की थी। गैर मजहबी होने के चलते भी उसने सभी चीजों को ताक पर रखते हुए उससे प्यार किया, लेकिन उस लड़की के घर वालों ने, घर पर जाकर, अंकित के घर पर वो गए और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर अंकित के घर वालों की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात से मना कर दिया है। उन्हें नहीं पता था कि वो पूरा हत्या का मन बनाकर आए थे, उनके बेटे को मार दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर इस तरीके की कुछ बातें हो भी रही हैं तो घर आते, उनसे बात करते। यहाँ तक कि लड़की के नाबालिग भाई ने, लड़की के मामा ने, लड़की के बाप ने अंकित की माँ तक से भी हाथापाई की, मार पिटाई की, और उसके बाद अंकित को सरेआम मार दिया गया। और आज वो माँ सिसकियाँ भर रही है, आहट उसे सुनाई देती है कि मेरा बेटा शायद कहीं आसपास है। वो बाप जिसे दिल की बीमारी है, उसका दिल कहता है कि शायद उसका बेटा कहीं ना कहीं होगा, उसकी बात को सुन रहा होगा। तो आज ये अंकित के साथ हुआ है। सोचिए जिस समाज में हम रह रहे हैं, क्या कल को आप या मैं उस घटना का शिकार हो सकते हैं, उस मजहब का शिकार हो सकते हैं, या फिर प्यार करने से पहले 100 बार सोचना होगा, तो इस महामारी के फैलने से पहले जागना होगा, क्योंकि शायद आप भी इसका शिकार हो सकते हैं।